हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ श्रीमद् भगवद गीता जी के 11वें श्लोक के बारे में। तो वीडियो को एंड तक देखना। आप सब जानते ही होंगे कि श्रीमद् भगवद गीता जी वो सत्य और हार जीत की लड़ाई का एक ऐसा श्रेष्ठ उदाहरण है जो विश्व विख्यात थे, और इसलिए इसको एक धर्म ग्रंथ नहीं बल्कि एक मोटिवेशन बुक की तरह पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ 11वें श्लोक के बारे में, और उसके सिवाय आप उसको अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर पाए उसके लिए भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 11वें श्लोक को मैं अभी संस्कृत में पहले बता रहा हूँ। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमस्थिताः भीष्मभवाभिरस्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसका है दुर्योधन बोल हे रहा है। गुरुवर, इनसे युद्ध जीतने के लिए तो अकेले पितामह भीष्म ही बहुत हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि पितामह भीष्म की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जाए, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं। यहाँ दुर्योधन को लग रहा है कि भीष्म पितामह ही पूरी पांडवों की सेना पे एक के लिए काफी है, लेकिन उसकी यहाँ भूल हो रही है, क्योंकि वो भूल रहा है कि वो असत्य के साथ है और पांडव सत्य के साथ है। और उसको लगता है कि भीष्म पितामह अकेले ही पांडवों की सेना को पारी पड़ेंगे, लेकिन यह एक बात सोचने वाली है। भीष्म पितामह ताकतवर तो थे, लेकिन वो भी असत्य के साथ थे। और श्रीमद् भगवद गीता जी के अनुसार देखे, या कोई भी बड़ा युद्ध देख लो, अगर आप असत्य के साथ थे तो आपकी जीत की कोई गारंटी नहीं रहेगी। जैसे कि सिकंदर था, मुगल साम्राज्य, अंग्रेजों, इन सब ने भारत पर हमला किया, लेकिन उनका जो गोल था वो असत्य था, या उनका प्रजा को लूटने का, भ्रष्टाचार करने का और पाप कर्म करने का ही उनका लक्ष्य रहता था। इसीलिए शायद वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और उनकी कीर्ति भी नहीं बनी। वो ताकत थे, यूज करते थे, लेकिन उनकी कोई जीत के या उनके कोई गाथा या इतिहास को अच्छी तरह से लोग नहीं देखते, क्योंकि सबसे शक्तिशाली तो है हमारी आत्मा, और आत्मा का मेल होता है परमात्मा से, और परमात्मा निर्मल सत्य और सनातनी है। इसीलिए शायद इन्हीं गुणों की जीत होती है। वीडियो अच्छा लगा हो आपको और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो में।